अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली की सियासत हाई है। एक तरफ ईडी केजरीवाल से सवाल कर रही है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के भीतर जुबानी जंग जो है वो चल रही है। केजरीवाल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि ईडी कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने अब एक और निर्देश जारी कर दिया है। केजरीवाल का स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी है। कुछ ही देर में सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को क्या निर्देश दिए हैं इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अहमद बिलाल और दीपक रावत। आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले दीपक का रुख करते हैं और जरा जानते हैं दीपक से, ईडी कस्टडी से पहला निर्देश अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो जल आपूर्ति है और सीवेज उसको लेकर दिया जाता है और अब दूसरा जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए दिया गया है। क्या है ये निर्देश जो स्वास्थ्य विभाग के लिए दिया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इसको लेकर क्या खबर है? और दीपक रावत, ये निर्देश आ किस तरीके से रहे, मतलब आम आदमी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं जब वो ईडी की रिमांड में? देखिए रोमाना, कम्युनिकेट कैसे करें इस बारे में पहले बात कर लेते हैं। दरअसल उनकी पत्नी को शाम को एक घंटे का टाइम दिया गया मिलने के लिए। इस दौरान उनके जो पीएस हैं वो भी उनके साथ मौजूद होते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि उनके जरिए ही जो तमाम निर्देश हैं वो बाहर मंत्रियों तक पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जब ईडी की तरफ से बात सामने आती तो ईडी ये कहती है कि ना उनके पास कोई पेपर है, ना कोई पेन दिया गया है और ना कोई ऐसा टाइप राइटर है जिसमें वो टाइप करके अपना आदेश जो है, निर्देश जो है वो भेज सकें। ABP News, आपको रखे आगे।